आज हम ग्रामीण विकास में समादेश क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एवं प्रादेशिक सिंचाई वितरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचित क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण उपयोग करके कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश में समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत रामगंगा एवं शारदा सहायक कमांड परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। रामगंगा कमांड परियोजनाओं द्वारा ईस्ट गंगा, ईस्ट यमुना, जामरानी, बेतवा एवं गुरुसराय एवं केन सिंचाई परियोजनाओं के समादेश क्षेत्र में एवं शारदा सहायक कमांड द्वारा शारदा नहर परियोजना क्षेत्र में कार्य कराया जा रहा है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना एवं नहर प्रणालियों से सृजित करके सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से अधिकतम उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके क्षेत्र विकास परियोजना शारदा सहायक रामगंगा गंडक का सृजन 1974 में किया गया। समादेश क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रमुख रूप से 6 चरण हैं। पहला ओसराबंदी, कुक्कुट पालन, रामगंगा समादेश, किसान नगरों की स्थापना, सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ओसराबंदी क्या होता है? समादेश क्षेत्र विकास परियोजना द्वारा ओसराबंदी का नियोजन का कार्य किया जाता है। ओसराबंदी नियोजन के पश्चात उसके कार्यान्वयन के लिए पत्रावली सिंचाई विभाग को स्थानांतरित की जाती है। समादेश में 10 ओसराबंदी इकाइयां कार्यरत हैं। ओसराबंदी कार्यक्रम का तात्पर्य मुख्य रूप से सिंचाई से संबंधित कार्यक्रम के प्रारूप का निर्माण करना है। इस प्रारूप में मुख्य रूप से क्षेत्र विशेष के आवश्यकताओं के अनुसार सभी जरूरी पक्षों का समादेश किया जाता है। कुक्कुट पालन शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार ग्रामीण अंचलों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और बेरोजगार तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1983 में लखनऊ जनपद में इस वैकल्पिक रोजगार को प्रारंभ किया गया। किसान नगरों की स्थापना कृषकों को एक झरोखे से उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से 6 किसान नगरों की स्थापना कराई गई, जिसमें 6 पशु केंद्रों, पशु चिकित्सालय भी खोले गए, जिसमें पशु चिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण, गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान, बाजपन की चिकित्सा तथा बकरी गर्भाधान की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य परिस्थिति के संतुलन को पुनर्स्थापना, क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि, डाउट प्रेफिंग तथा निर्बल एवं कमजोर वर्ग के कृषकों के लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन सृजित कर उसके जीवन स्तर में सुधार लाना है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नलकूपों द्वारा। नलकूप 20वीं सदी की देन है। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन 1930 में प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोला गया? सहारनपुर। नहरों से सिंचाई को माना जाता है बृहद व मध्यम सिंचाई, नलकूपों से सिंचाई को रखा जाता है लघु सिंचाई सघन। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में कूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में। प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश का
कौन सा जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है? आगरा। उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में? रायबरेली में। प्रदेश में किस जिले में ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकी शुरू की गई है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में पाताल तोड़ कूप कहाँ बनाए गए हैं? जालौन के नदी गांव ब्लॉक में। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना। निचली गंगा नहर तथा आगरा नहर को पानी मिलता है ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु 2544 मीटर। यह पुल बलिया में गंगा नदी पर श्रीरामपुर घाट पर बना है। प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। एरच बहुदेशीय बांध परियोजना स्थित है झांसी में। एरच प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। माता टीला बांध को कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई बांध। रिहंद बांध को कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। हथनी कुंड बैराज को कहा जाता है नया ताजे वाला बैराज। उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 जुलाई से 22 जुलाई। प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जून को। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदी यमुना नदी। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाने वाली नदी घाघरा नदी। पीलीभीत व नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी शारदा नदी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान का सीमा बनाने वाली चंबल नदी। जौनपुर को दो बराबर भागों में बांटती है गोमती नदी। गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है प्रयागराज कानपुर। गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है वाराणसी। काली नदी के तट पर है अंतरंजी खेड़ा एटा। गंगा नदी के तट पर है कांपिल्य फरुखाबाद। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश की भूमि अत्यंत उपजाऊ तथा जलवायु संयंत्र है। खाद्यान्न के संबंध में आत्मनिर्भर ही नहीं वरन देश के अन्य प्रदेशों को खाद्यान्न देने की स्थिति में भी है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कृषि की सघनता अधिक उपज देने वाली फसलों को बढ़ाकर ही संभव है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रदेश के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। कृषि की नियमित और व उत्पादकता बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना सिंचाई कहलाता है। भारत की जलवायु वर्ष भर फसल उत्पादन के अनुकूल रहती है परंतु यहाँ सभी मौसमों में आर्द्रता की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए फलों उत्पादन हेतु आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई की आवश्यक हो जाती है। भारत कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। अच्छी मानसून वर्षा बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करती है जबकि खराब मानसून के कारण या तो फसलें नष्ट हो जाती हैं या उनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है सिंचाई का महत्व। प्रदेश में वर्षा का वितरण भी काफ़ी असमान है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की न्यूनता के कारण सिंचाई आवश्यक हो जाती है जबकि कृषि भूमि का क्षेत्रीय विस्तार और अधिक संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जाए। इस हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य है। प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता। मानसून की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा का असमान वितरण, मानसून विभंगता, वर्षा ऋतु की सीमित अवधि। प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों के अंतर्गत नहरें, कुएं, नलकूप,
डीजल पंपसेट, तालाब आदि आते हैं। वर्तमान में ड्रिप और ट्रिपल स्प्रिंकलर सिंचाई भी की स्प्रिंकलर सिंचाई भी की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न संसाधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। विभिन्न तालिका, नलकूप से 72.17, नहरों से 19.44, तालाब झील पोखर तथा कुआं से 8%, अन्य से 0.8%। उत्तर प्रदेश में खेती के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के सिंचाई की जाती है, जिसमें मुख्य साधन निम्नलिखित है। नलकूप, नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल अधिकतम उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। वर्तमान राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 72.17% क्षेत्र नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। इसके अतिरिक्त डीजल पंपों से चलने वाले नलकूपों की संख्या और भी अधिक है। यहाँ वर्ष भर ही सिंचाई की मांग रहती है। खरीफ के मौसम में गन्ना, चरो और कपास तथा रबी के मौसम में गेहूँ, चना, चरो आदि की फसल सींची जाती है। उत्तर प्रदेश की भूमि उपजाऊ होने से नलकूप लगाने का व्यय अधिक कृषि उत्पादन द्वारा शीघ्र ही मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में अनेक भाग ऐसे हैं जहां नहरों द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकती। भूड़ और बांगड़ क्षेत्रों में नलकूप की सिंचाई के लिए वरदान सिद्ध है। ऊपरी गंगा नहर पर अनेक स्थानों पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग सर्वत्र नलकूप चलाने में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों की सिंचाई के क्षेत्र मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं। गंगा नदी के पश्चिम की ओर के भाग, जिसमें मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़ के वे जिले हैं जिनमें वर्षा की मात्रा कम होती है तथा यहाँ जल का स्रोत भूमि के ऊपरी धरातल से 6 से 9 मीटर की गहराई पर मिल जाता है। इस क्षेत्र को गंगा ग्रिड योजना से विद्युत मिलता है। गंगा नदी के पूर्वी ओर के भाग, जिसमें बिजनौर, मुरादाबाद, जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बनारस, गाजीपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच और बदायूं के जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में जल स्रोत भूमि से 4.5 से 6 मीटर नीचे की गहराई पर मिलता है। गंगा की नहरों से उत्पादित सस्ती बिजली इन कुओं को चलाने के लिए उपलब्ध है। नहरों द्वारा सिंचाई, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी नदियों की उपस्थिति के कारण नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम सुविधा है। प्रदेश का पूर्वी भाग अवश्य पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है, किंतु पश्चिमी भाग में सिंचाई की विशेष आवश्यकता अनुभव की जाती है। अतः नहरें प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही अधिक हैं। प्रमुख नहरें, उत्तर प्रदेश की नहरें, नहरों के वितरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 19.44% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से हैं। प्रदेश की प्रमुख नहरें निम्नलिखित हैं। पूर्वी यमुना नहर, यह नहर सहारनपुर जिले के फैजाबाद नाम स्थान के निकट यमुना नदी के बाएं किनारे से 1831 ईस्वी में निकाली गई थी। इस नहर की शाखाओं सहित लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली के लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सींची जाती है। यह नहर दिल्ली तक यमुना के समांतर बहती है और पुनः यमुना में ही मिल जाती है। ऊपरी गंगा नहर, यह नहर गंगा नदी के दाहिने किनारे से हरिद्वार, उत्तराखंड के समीप से निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य 1842 में प्रारंभ हुआ था, 1856 में समाप्त हुआ था। यह नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा,
कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों की लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। इस नहर की लंबाई 340 किलोमीटर है, परंतु शाखाओं और प्रशाखाओं सहित कुल लंबाई 5,640 किलोमीटर है। यह नहर आगरा नहर और गंगा की निचली नहर को भी जल प्रदान करती है। ₹1,313 करोड़ की अनुमानित लागत से ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकरण किया जा रहा है। निचली गंगा नहर, यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य 1872 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1878 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इस नहर की दो मुख्य धाराएं, मुख्य शाखाएं हैं, कानपुर शाखा और इटावा शाखा। इस नहर द्वारा बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद जिलों की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। मुख्य नहर शाखाओं और प्रशाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर है। मध्य गंगा नहर बिजनौर के समीप गंगा नदी से निकाली गई है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद इसे प्रमुख रूप से लाभान्वित होने वाले नहर हैं। शारदा नहर, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे वनवसा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य 1920 से आरंभ हुआ है और 1928 में पूर्ण हुआ है। इस नहर द्वारा पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव आदि जिलों की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शाखा प्रशाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। इसकी मुख्य शाखाएं खीरी, शारदा, देवा, बिसलपुर, निगोही, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई आदि है। इस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र भी स्थापित है। बेतवा नहर यह नहर बेतवा नदी में से झांसी से 24 किलोमीटर दूर परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। यह 1885 में बनाई गई थी। इस नहर द्वारा झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों की लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। इस नहर की दो मुख्य शाखाएं हमीरपुर शाखा और कठौना शाखा। केन नहर, यह नहर यमुना की सहायक केन नदी से पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से निकाली गई है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की लगभग 1.4 लाख एकड़ भूमि सिंचती है। इसकी शाखाएं और प्रशाखाओं सहित लंबाई 640 किलोमीटर है। ललितपुर बांध नहर, ललितपुर जिले की सहजाद नदी पर ललितपुर बांध बनाया गया है जिसे नहर निकाली गई है। इस नहर में झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर जिलों की भूमि सिंचित होती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं जो हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती हैं। इस योजना के दूसरे चरण में पूरा होने पर 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सींची जा सकेगी। नौगढ़ बांध नहरें, गाजीपुर जिले से कर्मनासा नदी पर नौगढ़ के निकट नौगढ़ बांध निर्मित किया गया है जिसमें नहरें निकालकर चंदौली तहसील और गाजीपुर जमानिया परगना की 80,000 एकड़ भूमि सींची जाती है। चंद्रप्रभा बांध या नहरें, वाराणसी जिले में चकिया स्थान से 19 किलोमीटर दक्षिण में चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध से निकाली गई नहरों से चकिया और चंदौली तहसीलों की 24,000 एकड़ भूमि सींची जाती है। शारदा सागर की नहरें, पीलीभीत जिले में शारदा सागर बांध के विस्तार के उपरांत 1115 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं जिसमें बाराबंकी, रायबरेली,
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर की लगभग 1.85 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की गई है। मेजा जलाशय इलाहाबाद जिले में बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है, जिसे 315 किलोमीटर लंबी नहर निकालकर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले की 70,900 एकड़ भूमि सिंची गई है। गंडक नहर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नेपाल में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से 18 किलोमीटर उत्तर में बूढ़ी गंडक नदी पर एक बैराज बनाया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया जिलों की भूमि सिंची जाती है। सरयू और अथवा घाघरा नहर बहराइच जिले की नानपारा तहसील में कतरनिया घाट रेलवे स्टेशन के निकट घाघरा नदी पर एक बैराज बनाया गया, जिसे निकाली गई नहरों से बहराइच गोंडा बस्ती को 6 लाख एकड़ भूमि सिंची जाती है। रिहंद घाटी योजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी के तट तंग घाटी में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद घाटी परियोजना बनाई गई। इस योजना से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों की लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है तालाब द्वारा सिंचाई। प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का कुछ भाग तालाबों से भी सींचा जाता है। खेतों के पास तालाब आदि होने पर मोखे द्वारा या स्थानीय अन्य विधियों द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। तालाबों में वर्षा का पानी वर्षा काल में भर जाता है, जिसे समय समय पर सिंचाई की जाती रहती है। वर्षा की कमी होने पर तालाबों में पर्याप्त पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, परिणामस्वरूप कृषि बिना पानी के सूख जाती है। अतः वर्तमान में प्रदेश में कृषि केवल तालाबों पर आश्रित रह कर नहीं की जाती, इसका विकल्प अब नहरों को बनाया गया है। कुओं द्वारा सिंचाई प्रदेश में कुएं प्राचीन काल से पाए जाते हैं। प्रदेश के पथरीले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर कुएं काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में भी सिंचाई का प्रमुख साधन उत्तर प्रदेश में कुएं ही थे। कुओं से सिंचाई करने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वहां की सुविधा अनुसार विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं, जिसमें रेहट, हनकुली, पैर दो बैलों द्वारा खींचकर प्रचलन काफ़ी समय से होता रहा है। आज भी प्रदेश की अधिकांश खेती की सिंचाई कुओं द्वारा ही की जा रही है। गंगा की घाटी के मध्य क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, रायबरेली, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया जिलों में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। थैंक यू।